नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए बहुत बड़ी सूचना लेके आया हूँ। सूचना ये है कि आपका अलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से लगातार पूछते जा रहे हो, सर कब एग्जाम पड़ेगा, कब एग्जाम पड़ेगा, अंततः एनटीए और अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके बारे में टाइम टेबल घोषित कर दिया है। ये आपके पास नोटिस है जो अभी जल्द ही वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी, हर जगह अभी आया नहीं, एनटीए की वेबसाइट पे भी आ जाएगी और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में भी आ जाएगा। क्या है इसके लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे डेट उसने निर्धारित कर दी है, ठीक है ना, डेट बता दी है। डेट क्या है, सीधा हम लोग डेट पे आते हैं कि पहली बात तो जो आपके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा दूं कि जो पेपर होगा आरओ का, एआरओ का, एपीएस का, सीए का और हिंदी का जो आरओ है ना स्पेशल, और इंग्लिश का है, इन सभी के पेपर अलग अलग दिन होंगे और अलग अलग टाइम पे होंगे। इस बात को एकदम क्लियर हो गया है, तो मतलब पेपर अलग होंगे, पेपर का स्तर भी अलग होगा। आरओ 20 है तो एआरओ 19 है तो एपीएस 18 है और ऐसे करके हमारे क्रम बनते चले जाएंगे। एक बार हम टाइम टेबल देख रहे हैं, टाइम टेबल क्या है, सर्वप्रथम आपका कौन सा पेपर होगा, रिव्यू ऑफिसर का पेपर होगा और जो इसकी डेट है वो 10 और 12 दिसंबर है, मतलब कि 10 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक आपका पूरा शेड्यूल चलने वाला है, जिसमें सर्वप्रथम जो परीक्षा होने वाली है आरओ की होने वाली है और उसके बाद ये आपका दो शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट, दो स्टेजेस में होंगे। पार्ट वन आपका एमसीक्यू होगा, 3 आवर का पेपर होगा, पहले भी बताया गया था 200 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। उसके बाद आपका यहां पे 15 मिनट का गैप दिया जाएगा और 15 मिनट के जस्ट बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा, मतलब एक ही कंप्यूटर पे आप क्या करोगे, पहले आप उसका रिटन पेपर दोगे, ऑब्जेक्टिव पेपर दोगे, फिर 15 मिनट उसी सिस्टम पे, सिस्टम भी चेंज नहीं होना है आपका, सब कुछ बायोमेट्रिक वगैरह एक ही सिस्टम पे होके पहुंच के 9 से 12 आप पेपर दोगे, 15 मिनट का रेस्ट लोगे यहाँ पे और उसके बाद फिर आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, समय बहुत ही कम बचा है, अब आपके पास गिन के 1 महीने बचे हुए हैं अगर 10 दिसंबर देखा जाए, क्योंकि ये दरमियान तो होली में, सॉरी दिवाली में ही आपका चला जाएगा, फेस्टिव सीजन में चलता है। इवनिंग शिफ्ट आपका 3 बजे से 6 बजे चलेगा, 15 मिनट बाद 6:15 से 6:35 पे टाइपिंग चलेगा। एआरओ की जो डेट है अगर यहां पे देख लें, एआरओ की जो डेट है वो 14 से 16, मतलब 14, 15, 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं 2021, उसके बाद फिर 17 को छुट्टी होके 18, 19, 20, मतलब 6 दिन पेपर, टोटल 6 दिन अगर आपका देखा जाए तो किसका चलेगा, टोटल 6 दिन हाँ एआरओ का चलेगा, केवल 2 दिन आरओ चलेगा और 6 दिन क्या चलेगा, एआरओ चलेगा, इसमें 14, 15, 16 और 18, 19, 20 चलेगा। टाइम आपका वही रहेगा, 15 मिनट का गैप देके फिर टाइपिंग होगा, सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे, केवल रिटन एग्जाम का लेवल थोड़ा सा एआरओ का कम होने वाला है जो अनुमानित है यहां पे, ठीक है। अब इसको देखें, फिर कंप्यूटर असिस्टेंट सीए का देख लें, तो ये आपका 21 दिसंबर तक है, बैक टू बैक आपका पेपर है, आप इसे देख सकते हो कि ये आपका सिलसिला कहां से शुरुआत हो रहा है, 12 10 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 और 12 को हो रहा है, उसके बाद फिर 13 छोड़ के 14 15 16 17 छोड़ के 18 19 20, उसके बाद फिर आपका 21 डायरेक्ट, फिर 22 को आपका ये कंप्यूटर असिस्टेंट का है जिसे सीए बोलते हो, उसके बाद अगर एपीएस का देखा जाए तो एपीएस का जो यहां पे है, हाँ एपीएस का यहां पे देखा जाए तो एपीएस का जो है 22 दिसंबर को यहां पे परीक्षा लगी हुई है और उसके बाद फिर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस इंग्लिश और हिंदी 23 दिसंबर, बैक टू बैक टाइम आपका वही है। इसमें क्या है, इसमें 3 पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट बी, 2 घंटे का ये पेपर है, उसके बाद 11:15 से 11:30 यहां पे पार्ट बी में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट सीबीटी होगा और पार्ट सी में सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट 15 मिनट का होना था जो, वो आपका 11:45 से 12 बजे तक चलेगा। तो एपीएस वाले में ध्यान देना, आपके 3 स्टेज चलेंगे, एपीएस हिंदी और एपीएस इंग्लिश में, क्लियर है बात। उसके बाद अगर यहां पे देख लिया जाए तो फिर रिव्यू ऑफिसर का है हिंदी और उर्दू वाले का, जो 1 6 जनवरी का होगा और 1 7 जनवरी का होगा, क्लियर है बात, यहां पे 1 6 जनवरी का होना है और 1 यहां पे क्या होना है, 7 जनवरी का होना है, ये चीज हम लोग यहां पे देख लेते हैं, हां ये है, ठीक है। तो 1 6 जनवरी में हो गया आपका और 1 कौन सा हो गया, 7 जनवरी में हो गया, तो डेट आपके पास क्लियर है। लगातार 10 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हाई कोर्ट अपना पेपर करवा रहा है, एनटीए एजेंसी करवा रही है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, टीम पहले ही इसके लिए बहुत
बेहतरीन कोर्स चला रखी है, कोर्स लगभग कंप्लीट भी कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज बहुत विधिवत दी गई है, एक दो टेस्ट उसमें और बचे हैं, वो आपका विद इन जैसे ही दिवाली की छुट्टियां खत्म होती हैं आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बहुत व्यापक तैयारी हुई है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी हाई है, बड़ा अच्छा लगता है, हजारों बच्चे हमसे इस कोर्स में जुड़े हैं, बहुत ज्यादा ही ये विश्वास का प्रतीक होता है कि आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हो और हमारी जो फैकल्टीज हैं, हमारे जो टीचर हैं, इतने न्यूनतम प्राइस में इतनी ज्यादा गुणवत्ता आपको दे सकते हैं और आपका वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। आप में से यदि कोई अभी भी कोर्स में जुड़ना चाहे, एक महीना में करना चाहे, तो आज इस समय मैं बता दूं दिवाली ऑफर में 50% ऑफ चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड क्या लगाना है, दिवाली लगाना है। कौन सा कोड लगाना है? दिवाली लगाना है। ये बात हमें समझते हुए चलना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कौन सा? परीक्षा प्लस ऐप। आप स्पेलिंग डालेंगे PARIKSHA, ठीक है, PARIKSHA, परीक्षा प्लस डालेंगे, या आप गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे, ऐसा कुछ आपका सिंबल है, यहाँ पे हिंदी में परीक्षा लिखा हुआ है, इसी कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे तीन करके पेंसिल बनी हुई है, ठीक है ना, ये आपको दिख जाएगा, परीक्षा प्लस ये आपका लोगो है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्स में जाके और वहां पे पेमेंट कर सकते हो। इसकी फीस 999 है, लेकिन अभी ऑफर क्या हो जाएगा, ये कट के 499 में मिल जाएगा। दिवाली के लिए कोड आपको लगाना है, अप्लाई कूपन में जाना है, कौन सा कोड यूज करना है, DIWALI, दिवाली यूज करना है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। दिवाली का कोड आपको कूपन कोड यही है, ये अप्लाई करो और फिर आप इसको से जुड़ सकते हो। समय अभी भी है, एक महीना है, अंत समय में पढ़ लोगे, चाहे अंग्रेजी की बात हो, चाहे फिर जीएस को संभाग का बात हो, या फिर किसी अन्य पार्ट की बात हो, बहुत ही व्यापक तैयारी यहाँ पे हुई है। फिर मिलेंगे विशेष जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।